हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। लास्ट टाइम हमने हॉस्पिटल के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। रिफर टू द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट विथ इन ए हॉस्पिटल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हॉस्पिटल में जो भी मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है या फिर जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि हॉस्पिटल का पूरा लेखा जोखा, उसके वर्क आवर्स, स्ट्रक्चर्स, स्टाफ ड्यूटीज एंड अदर एक्टिविटी इंक्लूड करके रखता है। द लेवल अलाउ टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। और जो है वो जो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट होता है वो डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कितने लेवल का क्या है। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जा सकता है, हाई लेवल से लोअर लेवल में, उस हिसाब से अपना स्टाफ जो है वो रिक्रूटमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, रिसेप्शनिस्ट, etc. द स्ट्रक्चर हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल चेन ऑफ द कमांड्स। तो स्ट्रक्चर जो होता है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वह मुख्य भूमिका निभाता है हॉस्पिटल का जो कमांड करने के लिए, उसके चेन को कमांड करने के लिए। जैसे एक या दो हॉस्पिटल है और भी बहुत सारे उसके चेन हॉस्पिटल हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह रूल रेगुलेशन सभी समान होते हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं अलग अलग जो चैन होते हैं उसमें वह समान होता है। तो इस तरीके से देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वह जो हॉस्पिटल में किस तरीके से काम करना है, क्या है वर्किंग प्लेस, कैसे हम स्टाफ को मैनेज करते हैं, कैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है रन करेगा, उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आगे हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट विथ इन द स्ट्रक्चर्स। द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट आर द ग्रुप्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ फैसिलिटीज। तो जो हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वह एक ग्रुप के रूप में रहते हैं, जो कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, और जो भी फैसिलिटीज़ रहते हैं उसकी एफिकेसी को प्रमोशन करने का काम करती है। मतलब उसका जो है कार्य क्षमता और जो उसके सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल के, उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। द ग्रुपिंग इज जनरली डन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ ड्यूटीज। तो जो ग्रुपिंग होता है जनरली डन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ द ड्यूटीज। जो ड्यूटीज़ होते हैं अलग अलग स्टाफ के, वह मेन एम रहता है हॉस्पिटल में कि पेशेंट का केयर करना, ट्रीटमेंट करना, उसका इलाज करना। इस तरीके से ग्रुपिंग के द्वारा एक एम, एक टारगेट, एक उद्देश्य लेके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट जो है वो कार्य करता है। इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है और हॉस्पिटल को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करने के लायक बनाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या होता है? द हॉस्पिटल जो भी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखता है और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, है ना, किस तरीके से हॉस्पिटल चलेगा, है ना, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ड्यूटीज़ क्या रहेगा स्टाफ के, ये सब चीज़ ओवरऑल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन से होते हैं? CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेड होता है।
मतलब इस तरीके से जो हाई लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है हॉस्पिटल के, बिजनेस पीपल हु रन द हॉस्पिटल, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन या ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा कमेटी होता है जो पूरे हॉस्पिटल को चलाता है, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। ओवरसी द बजटिंग एंड फाइनेंस, और ओवरऑल जो ईयर वाइज है, क्वार्टर वाइज है, मंथली वाइज है, जो भी हॉस्पिटल का बजट रहता है उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बनाता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है हॉस्पिटल में, ताकि ईयर बाय ईयर उसका इंक्रीमेंट हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेबलाइज द हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, और जो भी हॉस्पिटल के पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने के जो भी पॉलिसीज होते हैं, है ना, उसको क्या है, स्टेबलाइज करने का भी मुख्य भूमिका निभाता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्टेन परफॉर्मेंस पब्लिक रिलेशन ड्यूटीज, उसके बाद जो पब्लिक होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, जिसके कारण जो हॉस्पिटल चलता है, उसके बीच अच्छे से सामंजस्य स्थापित करना, उनके बीच अच्छे से कम्युनिकेट करना, उसको काउंसिल करना, ये जो है वो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का स्टाफ हायर करना, ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट का जो है वो ड्यूटी रहता है। उसके बाद हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इसमें इंक्लूड होता है एडमिशंस। एडमिशन के अंतर्गत जैसे पेशेंट एडमिशन होता है तो उसके बारे में अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, एडमिशन डिपार्टमेंट। इसमें डॉक्यूमेंटेशन रहता है, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट रहता है अलग से, जिसमें जो पेशेंट है अगर हॉस्पिटल में आता है तो किस तरीके से वह एडमिशन लेगा, एडमिशन लेने के बाद किस तरीके से वह डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग प्रकार के उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसका एक पर्टिकुलर रिसिप्ट बनेगा, उसका फाइल बनेगा, और पर्टिकुलरली उसको अलॉटमेंट दिया जाएगा। अगर वो एडमिट इन पेशेंट है तो पर्टिकुलरली उसके हिसाब से प्राइवेट या फिर सेमी प्राइवेट या फिर जनरल वार्ड उसको दिया जाएगा। अगर वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है तो उसका रिसिप्ट बना के ओपीडी डॉक्टर को दिखा के वह अपना इलाज करा सकता है। इस तरीके से एडमिशन डिपार्टमेंट अपना वर्क करती है। देन उसके बाद आता है बिलिंग एंड कलेक्शन। बिलिंग का काम भी सर्विस के अंतर्गत आता है, हॉस्पिटल सर्विस के अंतर्गत आता है, जिसमें अगर एडमिशन हुआ है किसी भी पेशेंट का तो उसका ओवरऑल कितना खर्चा हुआ हॉस्पिटल की तरफ से, कितना चार्जेस लगा, बेड चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस, ओवरऑल चार्जेस सभी जो इंक्लूड्स रहते हैं वह इंक्लूड होकर बिल बनाता है, और उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, फीडबैक रहता है, कलेक्ट करता है और उससे मनी रिसीव करता है। मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड्स जो रहते हैं, वो जो पुराने पेशेंट रहते हैं, नए पेशेंट रहते हैं, सभी का जो है वो रिकॉर्ड बना के रखते हैं, ताकि हमें कभी किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आगे चल के वह रेफरेंस के बेसिस पे काम आ सकते हैं, रिसर्च के बेसिस पे काम आ सकते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वह काम आ सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल्स में मेडिकल रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो कि मेडिकल रिकॉर्ड के लिए पूरे मेडिकल फाइल को एक पर्टिकुलरली स्टोर रूम में या फिर मेडिकल रिकॉर्ड रूम में स्टोर करके रखता है।
देन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पे अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें हॉस्पिटल के बारे में जानकारियाँ, कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से वह बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर हॉस्पिटल, तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर में पुट कर दिया जाता है, या फिर वो स्क्रीन टच हो सकता है, या फिर वो डिस्प्ले यूनिट हो सकता है, जिसके अंतर्गत वो आराम से हॉस्पिटल के जो भी फैसिलिटीज है उसके बारे में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हेल्थ एजुकेशन मतलब कैसे पेशेंट को अच्छे से अच्छा या फिर बेटर लाइफ दिया जा सके उसके बारे में पेशेंट को, पीपल को, कम्युनिटी को एजुकेट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, ताकि वह अच्छे से अपना देखभाल कर सके और हमारा जो कमेटी है, समाज है, वह आगे चल के बेटर पोजीशन पे जा सके। ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो होता है किसी भी हॉस्पिटल में, पर्टिकुलरली वह रिक्वायरमेंट, वुमेन रिक्वायरमेंट्स, स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, स्टाफ सेलेक्शन, उसका पोजीशन, उसका वर्किंग कंडीशन, ये सब जो है वो डिफाइन करके पर्टिकुलरली स्टाफ के बारे में बताता है और उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जाना चाहिए फ्रॉम हॉस्पिटल टू द पर्टिकुलर स्टाफ को, उसके बारे में बताता है। देन थेरेपेटिक सर्विस प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, इंक्लूड द फ्लोइंग डिपार्टमेंट्स। फिजिकल थेरेपी में क्या होता है, ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द लार्ज मसल्स मोबिलिटी, जो लार्ज फिजिकल थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो मसल्स से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ट्रीटमेंट गोल इज टू हेल्प टू पेशेंट रिगेन फाइन मोटर स्किल्स। देन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आइडेंटिफाई एवेल्युएट ट्रीटमेंट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। तो ये जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है, जो हकलाना है ना, बात न कर पाना, अच्छे से प्रोनंस नहीं कर पाना, ये सब चीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देन रेस्पिरेटरी थेरेपी, ट्रीट पेशेंट विद द हार्ट एंड लंग्स डिजीज। मेडिसिन साइकोलॉजी, कंसर्न विद द मेंटल वेलबींग ऑफ द पेशेंट। सोशल सर्विसेज, कनेक्ट द पीपल विद द कम्युनिटी रिसोर्स। फार्मेसी डिस्पेंसिंग मेडिसिन, फार्मेसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है वो पर्टिकुलरली मेडिसिन को डिस्पेंस करना, पैकेजिंग करना है ना, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और साथ ही साथ वह पेशेंट को काउंसिल करना ताकि वह मेडिसिन प्रॉपर ले सके। तो जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है वह बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वैरायटी फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द हॉस्पिटल। अलग अलग हॉस्पिटल में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होते हैं। द लार्ज हॉस्पिटल है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा हॉस्पिटल होता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा होता है। छोटे हॉस्पिटल का जो है वो हैव मस्ट सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिमिलर होते हैं लेकिन कम छोटे अमाउंट में होता है। द कॉमन कैटेगरिकल ग्रुपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस होता है, थेरापोटिक सर्विस होता है, डायग्नोसिस सर्विस होता है, द सपोर्ट सर्विसेज होते हैं। देन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द एंटायर हॉस्पिटल, इंक्लूड सेंट्रल सप्लाई, ऑर्डर रिसीव, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट एंड सप्लाई। जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं उसके अंदर सेंट्रल सप्लाई होता है, जो कि पूरा जो भी मेडिसिन है, सर्विसेज है ना, जो भी फैसिलिटीज हैं उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसको ऑर्डर देता है, रिसीव करता है, स्टॉक करके रखता है और उसको पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। बायोकेमिकल थेरेपी, डिज़ाइन बिल्ड एंड रिपेयर द मेडिसिन रिक्वायरमेंट्स। हाउसकीपिंग एंड द मेंटेनेंस एंड मेंटेन द सेफ एनवायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया कि हॉस्पिटल जो स्ट्रक्चर होते हैं
वह पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल को मैनेजमेंट होता है उसको पूरा संभालता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको नींव भी बोला जा सकता है हॉस्पिटल का, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। थैंक यू।